नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और नया इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आया हूँ। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर काफ़ी ख़तरनाक होने वाला है और काफ़ी अच्छे इसके फीचर होने वाले हैं। आपको सारे फीचर बताऊँगा, टॉप स्पीड बताऊँगा, इसकी बैटरी कितने टाइम में चार्ज होती है वो बताऊँगा, कितनी आपको सब्सिडी मिलने वाली है और आपकी दोस्तों एक शोरूम प्राइस क्या होने वाली है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए सारी जानकारी मिलेगी, आपको पूरा रिव्यू मिलेगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है गाइस तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम मैं आपको बता देता हूं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम होने वाला है प्योर ईवी ई प्लूटो 7G। काफ़ी अच्छा है, प्योर इसकी कंपनी है और ई प्लूटो इसका दोस्तों नाम है, यानी कि ब्रांड का नाम है। तो यहाँ पर प्योर ईवी का इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है। इलेक्ट्रिक स्कूटर है ई प्लूटो 7G, काफ़ी अच्छा स्कूटर है। आपको सारे फीचर बता देता हूँ पर आपको क्या क्या इस फीचर आपको मिलने वाले हैं, क्या क्या चीज़ आपको इसमें मिलेगी और आपको दोस्तों किस प्राइस में मिलेगा सब जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं आपको दोस्तों यहाँ पर कलर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से कलर मिलेंगे वो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता देता हूँ। तो कलर की बात करते हैं तो यहाँ पर पूरे आपको 6 कलर मिल जाएंगे। सबसे पहला कलर आपको यहाँ पर रेड कलर मिलेगा, रेड कलर के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक कलर मिलेगा, ब्लैक कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद आपको ब्लू कलर लग रहा है, ये तो काफ़ी ग्लोसी लग रहा होगा ब्लू कलर के बाद आपको यहाँ पर एक कलर और मिलता है ग्रे कलर, ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद वाइट कलर में भी काफ़ी चमचमाता हुआ ये स्कूटर लग रहा है और येलो कलर तो इतना शाइनिंग मार रहा है कि आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, काफ़ी अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये तो बात कर ली अपन ने कलर की, पूरे 6 कलर मिल जाते हैं आपको, जो कलर पसंद हो वो कलर आप चूज़ कर लीजिए। कलर का तो आपकी दोस्तों अलग अलग चॉइस होती है, सभी की अलग अलग चॉइस होती है, किसी को कौन सा कलर पसंद होता है तो किसी को कौन सा, तो इस तरीके से आप कलर देख लीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन की, आपको यहाँ पर क्या क्या फीचर्स आपको इस स्कूटर में मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं पावर एंड परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आपको फ्यूल टाइप इलेक्ट्रिक मिल जाएगा, मैक्सिमम पावर इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की आपको 2200 वोट मिलेगी, रेटेड पावर आपको 1500 वोट की मोटर मिल जाएगी जो काफ़ी पावरफुल मोटर है, और मैक्सिमम टॉर्क आपको 30 Nm का मिल जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको मिलेगा, राइडिंग रेंज आपको इसकी 120 किलोमीटर की मिल जाएगी। ग्रेडेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर 12 डिग्री आपको मिल जाएगी। उसके बाद टॉप स्पीड की बात करें तो 70 आपको टॉप स्पीड मिल जाएगी, 70 किलोमीटर की स्पीड आपको इसमें मिलने वाली है और 4 घंटे के अंदर आपकी बैटरी यहां पर फुल चार्ज हो जाती है और फास्ट चार्जिंग का इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद आपको दोस्तों कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो 150 kg की आपको इस पर कैपेसिटी मिल जाएगी, यानी कि 150 kg का वेट आप इस स्कूटी पर रखकर आराम से कहीं पर ले जा सकते हो। यानी कि ये मान लीजिए दो बंदे अगर 75-75 kg के हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, आप आराम से इस स्कूटर को यूज़ कर सकते हो, चला सकते हो। उसके बाद बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 2.5 किलोवाट की यहाँ पर आपको बैटरी कैपेसिटी मिल जाती है। उसके बाद बात करते हैं बैटरी टाइप की, तो लिथियम आयन की बैटरी मिलने वाली है और जो मोटर मिलेगी वो बूसलेस डायरेक्ट करंट मोटर आपको मिलने वाली है, BLDC टाइप की मोटर यहाँ पर मिलने वाली है। चार्जर आउटपुट की बात करें तो यहाँ पर CCCV पोर्टेबल 67.2 वोट का आपको यहाँ पर चार्जर मिल जाता है जो 10 Ampere की पावर देता है। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्रेक व्हील एंड सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको जो ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा EABS मिलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक असिस्ट ब्रेक सिस्टम आपको मिलेगा जो काफ़ी फुर्तीला होता है, यानी कि आपकी स्कूटी जहां आप रोकना चाहते हो वहीं पर हैंड टू हैंड रुक जाएगी, इतना फुर्तीला ये ब्रेकिंग सिस्टम होता है। उसके बाद यहां पर आपको फ्रंट ब्रेक के अंदर डिस्क मिलेगा 180 mm का, उसके बाद रियर में आपको ड्रम मिलेगा वो भी आपको 130 mm का ब्रेक साइज होने वाला है। उसके बाद व्हील टाइप आपको अलॉय व्हील मिल जाएंगे और जो व्हील साइज होने वाली है वो 10-10 इंच के आपको फ्रंट और रियर में मिलने वाली है। फ्रंट टायर साइज की बात करें तो 90 का आपको टायर मिलेगा 10 इंच, और रियर में भी आपको सेम टायर मिल जाएगा। ट्यूबलेस टायर यहाँ पर आपको मिलने वाला है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको मिलेगा और रियर में आपको स्प्रिंग कोयल सस्पेंशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं डायमेंशन एंड चेचिस की, तो यहाँ पर कर्व वेट आपको 76 kg का होने वाला है, यानी कि स्कूटी बहुत हल्की होने वाली है, आपको वेट में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई पतला दुबला लड़का है या लड़की है तो वो भी आराम से इसको चला सकता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करें तो यहाँ बैटरी वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको बैटरी की 5 साल की वारंटी मिलने वाली है या 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलने वाली है, और मोटर वारंटी की बात करें तो आपको यहाँ पर 2 साल की वारंटी आपको मिल जाएगी।
उसके बाद फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ओडोमीटर डिजिटल मिल जाएगा, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मिल जाएगी, रिवर्स मोड आपको नहीं मिलेगा, टच स्क्रीन भी आपको इसमें नहीं मिलेगा, DRL भी आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाले, मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको पार्किंग असिस्ट मिल जाएगा, एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाएगा, जियो फेसिंग नहीं मिलेगा, स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाएगा और फ्रंट स्टोरेज बॉक्स मिल जाएगा, अंडर सीट स्टोरेज आपको मिल जाएगा, सीट के नीचे वाला स्टोरेज आपको बढ़िया मिल जाएगा। उसके बाद स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो डिजिटल मिलेगा, ट्रिप मीटर आपको इसमें मिलेगा एक मिल जाएगा, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाएगा, ट्रिप मीटर डिजिटल मिलेगा, पिलियन ग्रैब ग्रेल आपको इसमें मिल जाएगी, पिलियन सीट मिल जाएगी, पिलियन फुटरेस्ट आपको मिल जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट आपको मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं LED हेडलैम्प की, तो यहाँ पर आपको जो फ्रंट हेडलाइट मिलेगी वो LED हेडलैम्प मिलेंगे और उसके बाद अपन बात करते हैं टेल लाइट की, तो आपको बल्ब मिलेगा, टर्न सिग्नल में भी आपको बल्ब मिलने वाले हैं, पास लाइट आपको मिल जाएगी। एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं तो एडिशनल फीचर में आपको यहाँ पर पोर्टेबल बैटरी चार्जर सेटअप आपको मिल जाएगा। तो ये तो बात अपन ने कर ली इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर एंड स्पेसिफिकेशन की, तो अब बात करते हैं इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर जयपुर ऑन रोड एक शोरूम प्राइस आपको यहाँ पर 87,000 आपको मिल जाएगी, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, RTO वगैरह में थोड़ा ऊपर नीचे पैसा हो सकता है, तो दोस्तों 87,000 की आपको ये मिल जाएगी ऑन रोड और थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो दोस्तों आप घबराना मत और आपकी जिस सिटी में आप रहते हो वहाँ पर आपको कितनी प्राइस में मिल रही है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चल जाए किस सिटी या किस स्टेट में ये स्कूटर कितने में मिल रहा है। अब आपसे दोस्तों मैं अलविदा लेना चाहूँगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखा है गाइस, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों सभी को इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में पता चल जाए, काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। आपको दोस्तों अगर प्राइस देख रहे हो तो प्राइस में थोड़ा ये महंगा है, फीचर थोड़े कम है, तो आपको इस स्कूटर से बढ़िया तो आपको ऑप्टिमा HX पर चले जाना चाहिए या फिर बाउंस इन्फिनिटी पर आप जा सकते हो। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, देखते रहिएगा हमारा अपना इमकिंग टेप्स।